शुभ नाम बता दें। संतोष कुमार सोनी। सोनी साहब जाएंगे कवर्धा, क्या क्या जा रहे हैं, क्या उद्देश्य है आपका? अधिवक्ताओं का जो मूल कर्तव्य है कि हम लोग प्रदेश में रहते हैं और हमारा प्रदेश शांत रहे, वातावरण सौहार्द रहे और प्रशासन शासन में या समाज में कहाँ खामियां हैं, कहाँ असामाजिक तत्वों ने कुछ दुर्घटनाएं कारित की हैं, इसलिए हम लोग उसमें वहां पर पूछताछ करके अपना एक विश्लेषण जो है शासन को भेजेंगे। ये स्वस्फूर्त अपने आपके जहन में आया आप लोगों के? हाँ, ये स्वतंत्रता आंदोलन के समय से अधिवक्ता अपना कर्तव्य निभाते आए हैं। समाज का क्रीम वर्ग है अधिवक्ता और समाज के प्रति अधिवक्ता की ड्यूटी है, इसलिए हम लोगों के मन में आया महापुरुषों से सरदार वल्लभ भाई पटेल वगैरह वो भी वकील थे उनसे प्रेरणा लेकर के हम लोगों के मन में आया कि प्रदेश में की नई शुरुआत होना चाहिए और ये अच्छी शुरुआत है। वकील समाज की चिंता करे और समाज में कहाँ पर मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकता है तो वहाँ हम मार्गदर्शक की भूमिका निभाएं और शासन को भी उसमें सुझाव ज्ञापित करें। राजकुमार शर्मा, एडवोकेट, हाई कोर्ट बिलासपुर। जी शर्मा जी, आप लोग जा रहे हैं कवर्धा, जा रहे हैं किन उद्देश्य से जा रहे हैं? कवर्धा में जो विगत दिनों एक घटनाक्रम हुआ है, हम लोग उसकी वस्तु स्थिति जानने के लिए कि वस्तु स्थिति है क्या, वहाँ जाके पीड़ित पक्षों से सभी से मुलाकात करेंगे और जो वस्तु स्थिति आएगी उसके संबंध में राज्य शासन को जो भी स्थिति होगी उसके सुझाव पेश करेंगे। ये किस तरह से सहायक हो सकता है जांच में क्या? नहीं नहीं, इसको जांच में सहायक तो नहीं बोलेंगे, जांच शासन का एक अलग, प्रशासन की अलग प्रक्रिया है। ये हम अधिवक्ताओं ने ये तय किया है कि चूंकि हम प्रदेश में रहते हैं और हमारा प्रदेश बहुत शांत प्रदेश था, सब सौहार्द वातावरण था, ये जो घटना हुई है तो उसके हिसाब से हम लोग वहाँ जाएँ, लोगों से मिलें, उसमें कई बातें आएंगी और शासन को सुझाव देंगे तो शासन हो सकता है उसमें कुछ कार्यवाही करे, जैसा भी होगा। इस हिसाब से जांच अलग चीज़ है।